आज की हमारी इस क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गूगल सीट। हमारे साथ विजय पाटिल जी हैं और विजय पाटिल जी हम डिस्कस करेंगे गूगल सीट में। लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था गूगल सीट को एडिट व्यू मेनू मेनू। बार, राइट? हाँ राइट सर। तो चलिए उससे आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले गूगल सीट को खोलने के लिए हम डिस्कस करेंगे, हम ओपन करेंगे अपने ड्राइव को, क्योंकि हम ड्राइव से ही गूगल सीट, जो भी गूगल सीट या गूगल सीट के अलावा और भी जो है उस चीजों पे हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके ओके सर। फाइल को यहाँ से ओपन करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो समटाइम आपका एक गूगल सीट में ओपन होता है, समटाइम आपका एक्सेल व्यूअर में होता है। ओपन विथ गूगल सीट आप क्लिक कर सकते हैं, ये आपका गूगल सीट आ गया। इनिशियलाइज होने में थोड़ा सा टाइम रहेगा, वेट कीजिए। अब जैसे कि यहां पे हमने लास्ट क्लास में बताया था एडिट मेनू, तो हमने फाइल मेनू बार और एडिट मेनू बार को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ व्यू मेनू बार। व्यू मेनू बार में सबसे पहला फ्रीज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि फ्रीज आखिर करता क्या है। जैसे अभी हमने स्क्रॉल किया, स्क्रॉल क्यों करेंगे नीचे, जैसे एक विंडो में आपका 25 का दिख रहा है, 26 के लिए हम इसके स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर माउस का जो व्हील से कर सकते हैं, तो आपका हेडिंग छूट जाता है ना सर। हेडिंग, हाँ हेडिंग चला जाता है सर। तो आप कर्सर रखिए और व्यू में जाइए, फ्रीज, और फ्रीज में कहिए रो वन फ्रीज हो गया। अब मैं नीचे करूंगा, रो वन फ्रीज हो चुका है, मतलब कि वो जहां वहीं पे रहेगा, वो स्क्रॉल करने पे हाइड नहीं होगा, नहीं होगा। में भी ऐसा होता है, देखने में कभी दिक्कत होती इस केस में। ओके ओके सर। और वन रो या टू रो या अप टू रो एट, ये भी जहां पे कर्सर है बाय डिफॉल्ट आपको यहां पे वन एंड टू रो दिखेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो उस पर आप कर्सर रखें या फिर उसको सिलेक्ट कर ले, तो वहां पे आपको यहां पे टू रो, सॉरी यहाँ पे फ्रीज में वन एंड टू या रो टू को हाईलाइट कर देगा, या नो कॉलन, कॉलन को नहीं करेगा, या वन कॉलम, या वन कॉलम, या फिर सिलेक्टेड एक कॉलम, तो कॉलन वाइज भी कर सकते हैं। अब कॉलन वाइज क्यों करेंगे, तो अभी तो चलिए मान लीजिए डेटा आपका यहीं तक है, अब मान लीजिए इसी डेटा को मैं कॉपी करके यहीं पे रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं अगर इधर जाता हूं तो कॉलम हाइड तो हो पता नहीं जाएगा। चलेगा कि इसकी आईडी क्या है, नहीं वो देखने के लिए। तो आप आईडी फ्रीज करना चाहते हो, तो उस केस में आप यहां व्यू में जाएं, फ्रीज पे जाएं, आप रो वन को फ्रीज कर दिया और फिर हम यहां पे फ्रीज में वापस कॉलम वन को फ्रीज कर देते हैं, दोनों फ्रीज हो गया। अब मैं नीचे करूंगा तो मेरा हेडिंग नहीं जाएगा, और इधर करूंगा तो मेरा जो आईडी है वो आईडी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। ओके ओके सर। फ्री समझ में आ गया आपको? हाँ सर। नो कॉलन कर दीजिए, नो रो कर दीजिए, तो फ्रीज आपका हट जाएगा। तो फ्रीज हटाने के लिए नो पे क्लिक करना, नो को नो रो। उसके बाद इसमें ग्रिड लाइन, जैसे कि कोई भी आप नई सीट लेते हैं, नई सीट हमने ले लिया, कोई सीट, जो भी सीट लेते हैं, तो जो ग्रिड लाइन होता है ना, तो लाइनिंग, उसको हटानी है। इस लाइनिंग को हटाया जा सकता है, कैसे? उसके लिए आप यहाँ व्यू में जाए, ग्रिड लाइन को हटा दे, ये आपका ग्रिड लाइन नहीं दिखेगा, यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा, क्लिक करेंगे लाइन आपको वापस आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला, जैसे मैंने कोई फॉर्मूला आपने लगाया है, आप चाहते हैं कि फॉर्मूला बार दिखे ही नहीं, ऊपर जो एफएक्स है वो दिखे ही नहीं, तो व्यू में आप यहीं पे सो फॉर्मूला बार कंट्रोल प्लस ए, आपका जो ये होता है रुपीज का साइन होता है ऊपर जो सिंगल कोड, तो शॉर्टकट, हाँ सर,
उस पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मूला दिखेगा ना, ठीक है। बार आता है सो फॉर्मूला। सो फॉर्मूला समझे क्या हुआ, मैं एक बार बार लाता हूं कि आपके इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब जैसे हम लोग फॉर्मूला देखने के लिए, मान लीजिए हमने सम का एक फॉर्मूला आया और सम के फॉर्मूले में हमने सिलेक्शन कर लिया, तो अब ये फॉर्मूला दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने व्यू के अंदर हमने इस पे क्लिक कर रखा है, वरना ऐसे अभी इसकी फॉर्मूला दिख रही है। अभी जहां जहां जो जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो सारे फॉर्मूले हमें देखने हैं। हाँ तो व्यू पे जाए और यहां फॉर्मूला, सो फॉर्मूला पे क्लिक कर दें, आपको दिख जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला दिखेगा उसका, क्या फॉर्मूला है। ओके सर, ओके सर। उसके बाद आता है हिडन रो, इसलिए हिडन सीट मार दीजिएगा। अब जैसे सीट के ऊपर मैं राइट क्लिक करके सीट को हाइड कर देता हूं, हाइड कर दिया। अब मुझे सीट को अनहाइड करना है, अनहाइड का ऑप्शन ही दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ऑप्शनल अनहाइट का नहीं है। जनरली होता है अनहाइड करने का ऑप्शन, पर गूगल सीट में अनहाइड करने का ऑप्शन नहीं है। तो आप व्यू पे चले जाए, गूगल सीट पे आए और यहाँ देखिए, ये सॉरी हिडन सीट पे आए, यहाँ आपको दिख जाएगा कि आपका कौन सा सीट हाइड है, उसको अनहाइड कर सकते हैं, पूरा लिस्ट आ जाएगा, एक या एक से ज्यादा। ओके, ओके उसके बाद यहाँ जूम, आप अभी 100% जैसे जैक्सन में जनरली हम लोग जूम यहां से करते हैं ना, इस यहां से कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, ओके सर। फुल स्क्रीन कर दोगे तो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, मेनू बार वगैरह हट जाएगा और फुल स्क्रीन पे। एस्केप करेंगे तो वापस नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। तो व्यू वाले में कोई दिक्कत है आपको? अब नहीं सर। आते हैं इंसर्ट मेनू बार में। इंसर्ट मेनू बार में मतलब कि कोई ऐसी चीज आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे बीच में एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो राइट क्लिक करके इंसर्ट वन लेफ्ट या वन राइट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, और ओके। राइट क्लिक ना करके तो यहाँ पे सेम चीज आपका, इंसर्ट लेफ्ट कॉलम राइट ओके सर, इंसर्ट आप कर सकते हैं। ओके, चार्ट ओके सर, डेटा आपका बना है उस पर अपना चार्ट बना लगाना चाहे तो चार्ट भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं गिव लाइन देता हूँ, बताता हूँ क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे मंथ दे दिए, मंथ में हमने यहाँ पे जैन फेब मार्च लिख देता हूँ। ऐसे चार्ट के ऊपर मैं आपको स्पेशली अलग क्लास दूंगा, लेकिन फिलहाल बता देता हूँ ओके सर। आपको कैसे लगाया जाता है एक्सेल इसमें, गूगल सीट। तो पहले तो आपको डेटा सेलेक्ट करना है, राइट करके ओके सर, भी आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं है, चलो वो माइक्रोसॉफ्ट वाले में है, माफ कीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट की भी एक ऑनलाइन सर्विस है ना, उसमें। तो यहीं पे आप इंसर्ट पे जाएं और यहीं पे इंसर्ट चार्ट, जैसे इंसर्ट चार्ट करेंगे यहाँ पे आपको एक डिफॉल्ट लाइन चार्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा। ओके सर। यस, सर इसमें चार्ट में वो ग्लास चार्ट के जो मैं एक्सेल में आपको आप बताता काम हूँ कर, बताता हूँ बताता हूँ यहाँ ये साइड में आपको देखिए चार्ट कोऑर्डिनेटर खुल के आ गया, चार्ट सॉरी एडिटेड। ओके यहाँ पे आपको चार्ट के सारे फैसले दिखेंगे कि चार्ट क्या है, ओके सर, ठीक है, पूरा यहाँ पे आपको दिखेगा कस्टमाइज में या सेटअप पे। जैसे सेटअप पे आप आएंगे तो यहाँ ऊपर दिखेगा चार्ट टाइप, चार्ट टाइप में आप अपने टाइप को चेंज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें वेब एप्लीकेशन में पॉपअप का कोई सीन नहीं होता है, तो इसमें पॉपअप ना देके इन्होंने ऐसा दे दिया कि डिफॉल्ट आपका चार्ट ऐड होगा, उसके बाद यू कैन चेंज द चार्ट। इतने सारे चार्ट के टाइप है जो कि एक्सेल से भी, एक्सेल में भी जो चार्ट नहीं है उससे बेटर चार्ट है। जैसे यहाँ देखिए आपका गेट चार्ट है ओके कैसे, सर, इस तरह से स्पीडोमीटर वाला चार्ट आपको दिखेगा।
अगर मैं इसको डाउनलोड करूं फाइल को, तो क्या ये चार्ट रहेगा? एक मिनट मैं देखता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, वो ये चार्ट एक्सेल में नहीं है इसलिए बोल रहा था। शीट वन में तो आ लेकिन गया सर। एज ए इमेज है। चार्ट फॉर्मेट नहीं है। मान लो नंबर चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैंने मई में 52 के जवाब पे 100 कर दिया, इसका डिसेबल है लेकिन इसमें ये वापस बैक टू गूगल से। ठीक है, तो चार ओके सर। हाँ आ गया, चार कैसे इंसर्ट करते हैं? सर। हाँ सर। अब वहां इंसर्ट में चार्ट के बाद हम बात करते हैं इमेज की, कोई पर्टिकुलर इमेज जैसे कि कोई अगर पिक्चर वगैरह इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हो, इमेज इन द सेल या इमेज इन द ओवर सेल। इसमें एक और फैसिलिटी है कि आपका वीवीए में ऐसी फैसिलिटी, इसमें एक नॉर्मल फैसिलिटी नहीं है कि आप किसी इमेज के इसके सेल के अंदर कोई इमेज ऐड कर सके। तो कर्सर रखा और हमने बोला इमेज, इमेज इन द सेल, न्यू है, न्यू पे क्लिक लगा हुआ है। अब यहीं से आप कर सकते हो या फिर आप स्नैपशॉट लेना चाहते हो कोई, स्नैपशॉट के लिए आपको उसका फ्लैश प्लेयर आपको अपलोड करना पड़ेगा, या बाय यूआरएल, या आपकी जो एल्बम है उस एल्बम से लेना चाहते हैं, तो मैं अपनी एल्बम ले ली, एल्बम से ही ले जाते हैं। ठीक है, ओके सर। ए इसके अंदर फिट हो गया। अब कॉलम की साइज बढ़ाऊंगा तो इसके साइज बढ़ेगा, मतलब यहां से निकलेगा नहीं है, देखा है? सेल वैल्यू के अंदर हो गया, अब डिलीट करूंगा तो डिलीट हो जाएगा सेल की वैल्यू की तरह। इसको लिंक करता हूं, नहीं लिंक करता हूं तो लिंक, एक मिनट, व्यू में शो फॉर्मूला, तो पिक्चर को भी ऑटोमेटिकली हमारा लिंक होगा। शो फॉर्मूला करेंगे तो हो जाएगा सर। हाँ, शो फॉर्मूला पे क्लिक था सर, इसलिए ओके सर। दे रहा है। ओके सर। तो इंसर्ट पिक्चर ये होता है, आप इंसर्ट पिक्चर में आपका आता है ओवर द सेल। ओवर द सेल मतलब कि सेल के बाहर एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है सर, हाँ सर। तो इसको आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हो, अपने हिसाब से राइज रिसाइज कर सकते हो, तो ये ओवर द सेल। ठीक है, एक्सेल में आता है वो, एक्सेल की तरह। हाँ जैसे एक्सेल की तरह, लेकिन इसमें यहां पे आप क्लिक करके इसके ऊपर आप जो है रिप्लेस इमेज कर सकते हैं, डिलीट इमेज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, इस पे को टेक्स्ट लेना चाहते हो या फिर सिलेक्टेड सेल के अंदर इमेज को पुट करना चाहते हो, तो यहां से आप इसको कर सकते हैं। ओके ठीक है, सर। ओके। क्लियर है सर इमेज? हाँ सर। जैसे कोई कोई अगर डिजाइन वगैरह आपको बनाना है तो आप ड्राइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रॉइंग के लिए आपका ये ऑप्शन आ गया, आप इसमें आप जो ड्राइंग करना चाहते हो वो आप कर सकते लोगो क्रिएट करना तो हो जाएगा सर।
मैंने यहाँ पे लिया और जब मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब का ले लिया, दिख रहा है आपको ना? हाँ सर। सिग्नेचर वगैरह लेना है, जैसे मैंने सिग्नेचर वगैरह करना है। ठीक है, उसके बाद सेव एंड क्लोज भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके इंसर्ट में अगर ड्राइंग पे आप जाते हैं तो ड्राइंग पे एक तो आपका ये क्या बोलते हैं लाइंस है, उसके बाद यहाँ से आपके सैप्स हैं, किस तरह के सैप चाहिए, या एरो चाहिए, या कॉलम चाहिए, या यहाँ पे रिलेशन चाहिए, या इमेज पे आप जाते हैं इमेजेस चाहिए, तो सारा चीज यहाँ पे आप कर सकते हो, इसमें दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। ओके सर। इसमें इंसर्ट लिंक, अभी सिर्फ फंक्शन की बात है तो फंक्शन में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, फंक्शन आते जाऊंगा ना इसलिए बोल रहा हूँ, फंक्शन लंबा टॉपिक है। ब्रेक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इंसर्ट ब्रेक, इंसर्ट लिंक दिख रहा होगा। हाँ सर। इंसर्ट लिंक से मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ओपन लिखा, तो मैं चाहता हूँ ओपन पे क्लिक करे तो कोई साइट या कोई पाथ ओपन हो जाए, तो इंसर्ट लिंक पे जाइए, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। कौन सा लिंक चाहिए? तो हमने www.iptindia.com कर दिया। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ सर। हेलो जी, तो ये हो गया। अब इस पर क्लिक करते हैं वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या कोई पाथ या कोई अनुदर फाइल या कोई चीज आप यहाँ से ओपन करवा सकते हैं। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। चेकबॉक्स कमेंट और नोट तो मैंने लास्ट सीट बताई ही थी, और न्यू सीट नई सीट इंसर्ट कर सकते हैं। ओके सर। तो आज मैंने आपको व्यू मेनू बार और इंसर्ट मेनू बार करा दिया। इंसर्ट मेनू बार में हमारा एक चार्ट का और दूसरा फंक्शन का टॉपिक रह गया है, मैंने बस ओवरव्यू दिया है, लेकिन इसकी एडवांस चीजें मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है ना? ओके सर। लेते हैं कल की क्लासेस में आपको फॉर्मेटिंग के बारे में बताएंगे, और टाइम बचेगा तो फिर हम डेटा मेनू बार के बताएंगे। सर इसमें गूगल शीट में पासवर्ड प्रोटेक्ट वो कैसे करते हैं, दिखा दीजिए तो अच्छा होगा सर। देखिए, गूगल शीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही तो है, बिना आप अपने अकाउंट लॉगिन किए हुए क्या लगता है कि आप फाइल खोल पाएंगे? नहीं खोल पाएंगे सर। तो फिर इसमें पासवर्ड फाइल थोड़ी है, आप पासवर्ड डाल सकते हैं, या गूगल शीट को ओपन किए बिना तो ये खुलेगा ही नहीं। हाँ, दूसरी चीज, अगर मान लें किसी को भेजेंगे भी आप तो शेयर करेंगे, तो जिस ईमेल आईडी डालेंगे वही देख पाएगा। ओके सर। किसी को शेयर भी नहीं कर पाएगा, और यहाँ ओके सर अथॉरिटी भी दे सकते हो कि सिर्फ कमेंट करे या सिर्फ व्यू करे या फिर एडिट करे। ओके सर। ठीक है ना? जैसे मैंने मान लीजिए फाइल एक्सेस दे दिया, तो आप इस फाइल को किसी और को नहीं भेज सकते। ठीक है ना? कैन एक्सेस, पूरा एक्सेस। अगर मैंने कैन एडिट कर दिया तो भेज सकते हैं, अगर मैंने सिर्फ व्यू पे क्लिक कर दिया तो सिर्फ फाइल को देख सकते हैं, किसी और को भेजेंगे तो वो फाइल इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, इस फाइल को वही एक्सेस कर पाएगा जिसकी ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ओके सर। इसमें प्रोटेक्शन का सवाल ही नहीं आता, कोई फाइल होगा तभी तो प्रोटेक्शन होगा। यस सर। क्या? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके सर। बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।